इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है नीलकमल स्वीट शाही रोड सावरकर चौक ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है बड़े बाबा कार बाजार स्टेशन रोड ऑफिसर हॉस्टल के बगल में सिविल लाइन ललितपुर। सुदर्शन डिग्री कॉलेज एवं सुदर्शन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बांसी ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की प्रमुख एवं खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर में बजाज पावर प्लांट की ओर से लौट रहा एक ट्रैक्टर अचानक संतुलन बिगड़ने से सड़क किनारे पलटा, एक बड़ा हादसा होते होते टला। जैसा कि आप सभी को बताते चले कि ललितपुर में बजाज पावर प्लांट से वापस लौट रहा एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रक अचानक बानपुर रोड पर कचरौंदा बांध के पास सड़क किनारे पलट गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। इस मौके पर पहुंची क्रेन द्वारा ट्रक को सीधा करके सड़क किनारे से उठाया गया। ललितपुर में पंच कल्याणक महोत्सव की तैयारियां हुई जोरों पर शुरू। नगर में महोत्सव के मुख्य पात्रों द्वारा अष्ट द्रव्य के साथ नगर में निकाला गया भव्य जुलूस। जैसा कि आप सभी को बताते चले कि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की आशीर्वाद और मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में होने वाले पंच कल्याणक महामहोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसको लेकर महोत्सव के मुख्य पात्रों द्वारा अष्ट द्रव्य के साथ नगर में निकाला गया एक भव्य जुलूस, जो शहर से होता हुआ स्टेशन रोड स्थित अभिनंदोदय अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर पहुंचा। ललितपुर में आज बुंदेलखंड विकास सेना और तहसील बार संघ के संयुक्त बैठक मुन्नालाल जैन एडवोकेट की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रशासन द्वारा जमीनों के सर्किल रेटों की गई मूल्य वृद्धि और विसंगतियों के विरोध में तहसील बार संघ की कई दिनों से हड़ताल चल रही थी, जिसे आज SDM के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया और निर्णय लिया गया कि यह हड़ताल खत्म नहीं हुई है बल्कि इसे स्थगित किया गया है। यदि मांगे नहीं माने जाने पर तहसील बार संघ पुनः हड़ताल करने पर बाध्य हो जाएगा। ललितपुर में प्रगति रक्तदान सेवा समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी। समिति के दो रक्तवीरों ने दो जरूरतमंदों को रक्तदान कर दिखाई मानवता। जैसा कि आप सभी को बताते चले कि ललितपुर जिले में प्रगति रक्तदान सेवा समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी बनी हुई है। उसी क्रम के चलते आज समिति के सदस्य आयुष नामदेव के जन्मदिन पर प्रगति रक्तदान सेवा समिति संस्था के दो प्रमुख सदस्य नीरज विश्वकर्मा और पंकज अहिरवार ने दो जरूरतमंदों को रक्तदान कर उनकी जान बचाई और मानवता की मिसाल पेश की। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष प्रिंस राठौर और उपाध्यक्ष अमन राठौर, प्रमुख सदस्य आयुष नामदेव, दीपेश नामदेव, ब्लड बैंक से अमित बाबू और प्रीतम मौजूद रहे। विगत दिनों ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे स्थित एक ढाबे पर ढाबे के संचालक के साथ की गई मारपीट और लूटपाट के मामले में थाना सदर कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। जैसा कि आप सभी को बताते चलें कि ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे स्थित बुंदेलखंड ढाबा पर विगत कुछ दिन पूर्व अज्ञात नकाबपोश कुछ बदमाशों द्वारा पहले तो ढाबा संचालक अनवर खान की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी थी और ढाबे में लूटपाट करते हुए हमलावर धमकी देकर भाग गए थे। घटना की पूरी वारदात ढाबे पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई थी, तो वहीं अज्ञात नकाबपोश बदमाशों को आखिरकार थाना सदर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। ललितपुर जिलाधिकारी आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें उन्हें संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ठंड शीतलहर से बचाव हेतु गौशालाओं को अच्छे से कवर किया जाए और गौशालाओं में अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा गोबर के निराकरण से गौशालाओं में आय सृजन करने के दिशा निर्देश दिए। ललितपुर मैरोनी राजमार्ग पर दो मोटरसाइकिल की आमने सामने हुई भीषण भिड़ंत, तो दो लोग गंभीर रूप से घायल। जैसा कि आप सभी को बताते चले कि ललितपुर मैरोनी राजमार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसे में दो मोटरसाइकिलें आमने सामने टकराई, दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। घायलों को राहगीरों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैरोनी भिजवाया गया, जहाँ से एक मोटरसाइकिल सवार को गंभीर चोटें आने की वजह से ललितपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यह पूरा मामला ललितपुर जिले की
ललितपुर मेहरोनी मार्ग स्थित ग्राम छिल्ला का बताया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं परियोजना प्रमुख अनिल कुमार शर्मा के दिशा निर्देशन में झांसी ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के वीगा खेत टोल प्लाजा पर जिला परिवहन अधिकारी एस के गौड़ की अध्यक्षता और अमरपुर मंडी चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह की उपस्थिति में आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह हुआ। जिला परिवहन अधिकारी ने सड़क सुरक्षा का महत्व बताते हुए सभी को वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और राजकीय विद्यालय नदनबारा की प्रधानाचार्य ऋचा अग्रवाल द्वारा उपस्थित वाहन चालकों और स्कूली छात्र छात्राओं छात्रों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम के अंत में प्लाजा प्रबंधक विकास सक्सेना द्वारा मौके पर मौजूद सभी अतिथियों को फ्लावर पॉट भेंट करके आभार व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम में टोल मैनेजर जितेंद्र कुमार, नरेंद्र गौतम, रोहित पाराशर, शुभम शर्मा, प्रदीप इंद्रेश, रामदास सिंह सहित टोल प्लाजा के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। है कि नहीं है, गाड़ी चलाने लायक है कि नहीं है, तभी हम गाड़ी निकाले। इसके अलावा गाड़ी की जो सिचुएशन है कि गाड़ी पंचर तो नहीं है, गाड़ी में फ्यूल इतना है कि नहीं। ललितपुर जिले के कस्बा पासी में भारतीय जैन मिलन शाखा द्वारा एक विशाल नेत्र शिविर का आयोजन स्वर्गीय सेठ कोमल चंद जैन की पुण्य स्मृति में कस्बा के मेन रोड स्थित जैन क्लिनिक पासी में लगाया गया। इस शिविर में करीब 200 से ऊपर लोगों ने अपने नेत्रों का परीक्षण करवाया, जिसमें 48 मरीज मोतियाबिंद के चिन्हित किए गए। इस शिविर के मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन चूना ने कहा कि मोतियाबिंद बुढ़ापे में आंखों के लिए बहुत ही घातक है, समय रहते ऑपरेशन करवाना चाहिए। सरकार की ओर से पूरे प्रयास किए जाते हैं कि इस समस्या के कारण कोई अंधा नहीं हो। इस शिविर के आयोजक डॉक्टर जितेंद्र जैन और प्रदीप जैन बंटी ने बताया कि हर वर्ष गांव-गांव जाकर इन शिविरों का आयोजन हम करते, जिसमें निसहाय लोग भी लाभान्वित होते हैं। शिविर की तत्पश्चात डॉक्टर जितेंद्र जैन ने सभी मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया। भाजपा भाई राजकुमार साहब और उनके साथ पधारे सभी भाजपा काशी समाज के सभी सम्मानित विजन और बताए हुए सभी। ललितपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद स्तरीय 3 दिवसीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार पांडे ने पीता काटकर किया। इस मौके पर अतिथियों को बुके भेंट कर स्वागत किया गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य रोजगार से जुड़ने हेतु लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। एक कलयुगी पुत्र ने घर में रखी पिता की लाइसेंसी बंदूक से अपनी मां को मौत की नींद सुलाया और कहा, मां हमें चाहती नहीं थी। टीकमगढ़ पुलिस ने आरोपी पुत्र को मौके पर पहुंचकर पकड़ा। जैसा कि आप सभी को बताते चलें कि मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक माँ जो अपने पुत्र को 9 महीने अपनी कोख में रखती है और पुत्र को जन्म देती है, जन्म देने के बाद उसका लालन पालन करती है और तो और उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती, लेकिन अगर उसका ही पुत्र अपनी माँ की हत्या कर दे तो सोचो। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज दोपहर रमेश रजक के पुत्र ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से अपनी सगी मां की हत्या कर दी। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार भगत नगर में रहने वाले रमेश रजक बैंक में गार्ड की नौकरी करते थे और घर में बंदूक थी। नाबालिग बेटे ने मंगलवार की दोपहर के वक्त घर में मौजूद माँ सपना रजक उम्र 45 साल की घर में रखी पिता की 12 बोर की बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी नाबालिग बेटे ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली तो एडिशनल एसपीसी थाना प्रभारी प्रीति भार्गव अपने दलबल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, घर से ही नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया। अंदर जाकर देखा तो महिला मृत अवस्था में पड़ी थी, पास में बंदूक डली थी। एफएसएल की टीम ने जांच पड़ताल की, उसके बाद शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट। उसी के बेटे ने जो है उसका 12 बोर के बंदूक से गोली मार के हत्या कर दी है। कौन सी बंदूक थी, क्या लाइसेंसी बंदूक थी? आगे लाइसेंसी बंदूक है। उसके पिता जो है वो राज की नौकरी करते हैं, उसी से उसने गोली मारी। और ये नाबालिग जो आरोपी है, क्या उसको अभिरक्षा में ले लिया गया है? अभी और अभी कक्षा में है, पूछताछ की जा रही है। उसका कहना है कि माँ जो है प्यार नहीं करती थी, इसलिए उसने गोली मारना पड़ता है।
सर क्या माँ सोते ली थी क्या? नहीं सर जी माँ